नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने पूर्व दिग्गज बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को उतारकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। राजे और मानवेंद्र के आमने सामने होने से झालरापाटन की सीट पर चुनाव अब और अधिक दिलचस्प हो गया है। सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हैं। मानवेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। यह सीट झालावाड़ जिले में आती है। शनिवार को ही सीट से वसुंधरा ने अपना नामांकन दाखिल किया। राजस्थान में अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री राजे हर जतन कर रही हैं। ऐसे में मानवेंद्र सिंह यहां से उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस ने दो दिन पहले गुरुवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 152 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मानवेंद्र सिंह का नाम नहीं था, जिसके कई कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि दूसरी लिस्ट आने पर साफ हो गया कि मानवेंद्र सिंह को एक विशेष रणनीति के तहत सीएम वसुंधरा के खिलाफ उतारा गया है। पहले माना जा रहा था कि मानवेंद्र को कांग्रेस राजपूत बाहुल्य इलाके मारवाड़ से टिकट दे सकती है। पहली लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को टोंक विधानसभा से सीट दिया गया है। ऐसे में राजस्थान चरण में सबसे रोचक एवं दिलचस्प मुकाबला झालरापाटन में देखने को मिलेगा, जहां वसुंधरा राजे और मानवेंद्र सिंह आमने सामने होंगे। वहीं दूसरी दिलचस्प बात यह है कि झालरापाटन से चुनावी रण में एक दूसरे से टक्कर लेने वाले दो ही दलों के योद्धा राजघरानों से आते हैं और दोनों ही राज परिवार के सदस्य भी हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।